हेलो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर पहचान गए होंगे कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे आने वाला है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप दूसरे किसी बंदे का फोन में गूगल फोटो का जो एप्लीकेशन रहता है, उस एप्लीकेशन के अंदर वो बंदा ने जितने भी फोटो ऐड करके रखता है, वो सभी फोटो को आप अपने फोन में कैसे देख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मेरा मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ गया मेरा मोबाइल का स्क्रीन पे। और दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल फोटो का जो एप्लीकेशन है तो इसको आपको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे गूगल फोटो में मैंने दो तीन फोटो ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने गूगल फोटो में दो तीन फोटो ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो तीन फोटो मैंने ऐड कर लिया है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये जो थ्री लाइन्स है तो आपको थ्री लाइन्स के ऊपर क्लिक करना होगा। और थ्री लाइन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेयर्ड लाइब्रेरीज, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेट स्टार्टेड, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, दोस्तों यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। मान लो ये जो फोन है ये दूसरे बंदे का फोन है, तो इस फोन का फोटो अपना फोन में देखना चाहते हो, अपना ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैंने एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक ईमेल आईडी डाल दिया। और डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेंड इनविटेशन, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ आपका सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा। तो दोस्तों, चलिए दूसरा मोबाइल में। तो दोस्तों, ये है मेरा फ़ोन और मान लो ये दूसरे बंदे का फ़ोन है। तो दोस्तों, आप दूसरे बंदे का फ़ोन में जब भी अपना ईमेल आईडी डाल दोगे, तुरंत ही आपका फ़ोन में कुछ इस टाइप का एक मैसेज आ जाएगा, शेयर्ड लाइब्रेरी इनवेंशन फॉर्म, नीचे आपका नाम आ जाएगा। तो आपको इस मैसेज के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा डिसलाइन एक्सेप्ट, तो आपको एक्सेप्ट पे ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों, आप जब भी एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो सारी फोटो आ गया है। उस फोन का गूगल फोटो एप्लीकेशन के अंदर मैंने जो दो तीन फोटो ऐड करके रखा था, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा फोन में आ गया है। और दोस्तों, इससे सामने वाले बंदे को पता नहीं चलेगा कि आप उसका फोन का फोटो अपने फोन में देख रहे हो। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे मैंने आप लोगों के लिए इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दूसरी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।